मुझे लगता है जर्मनी में कोई स्कैम्स नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। और एकोमोडेशन स्कैम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो होता क्या है, जर्मनी की जो बड़ी सिटीज है ना, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है घरों की एंड अवेलेबिलिटी कम है। तो उस चक्कर में कुछ लोग फायदा उठाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का और उन लोगों का जो जर्मनी में घर ढूंढ रहे हैं। और ऐसे ही हमें कुछ इंसिडेंट्स बता रहा था चिराग, जो कि जर्मनी में स्टूडेंट है। तो बताओ चिराग, क्या एक्सपीरियंस किया? तो मैं एक्चुअली एकोमोडेशन ढूंढ रहा था म्यूनिक में एंड मुझे फेसबुक पे कॉन्टैक्ट पर्सन मिले। अच्छा। उनके साथ डिस्कस करने के बाद उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स भेजी घर की, और जब मैंने उनको बताया कि लाइक दिस इज समथिंग विच आई वांट टू सी, तब उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव टू सेंड अ डिपॉजिट फर्स्ट एंड देन वी कैन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट। अच्छा। एंड मैंने जब उनको एम्फसाइज किया कि नहीं, मुझे पहले घर देखना है, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। अच्छा। और ये बहुत सारे इंसिडेंट मेरे दोस्तों के साथ भी हुए जो इंडिया से घर ढूंढ रहे थे, उनको सारे अकोमोडेशन भी मिले, पर उन लोगों ने उनको बोला कि पहले डिपॉजिट ट्रांसफर करो। अच्छा। फिर अकोमोडेशन मिल जाएगी आपको इधर आने के बाद। हाँ। पर जब उन्होंने डिपॉजिट ट्रांसफर किया, उसके बाद उनको ब्लॉक कर दिया गया। ओके।